हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिंकी शर्मा। आज मैं बताऊंगी आप भिंडी की सब्जी घर पे कैसे बना सकते हो, जल्दी कैसे बना सकते हो, बिकॉज जो वर्किंग वुमेन्स है वो उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि वो घर पे ज्यादा टाइम दे पाए कुकिंग के लिए। सो इसीलिए बहुत इजीली कैसे भिंडी की सब्जी बन जाएगी। बहुत लोग की भिंडी की सब्जी फेवरेट होती है, तो मुझे कमेंट करके भी बताना कितने लोगों की भिंडी की सब्जी फेवरेट है। तो चलो वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम लोग भिंडी बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है, गैस ऑन करूंगी और इसमें मैं अभी थोड़ा सा तेल डालूंगी। सो अब मैंने गैस ऑन कर दिया, अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड करूंगी। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब थोड़ा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डालूंगी ऑनियंस जो मैंने ऑलरेडी चॉप कर ली है। इसको मैंने स्लाइस किया है, चॉप नहीं किया है, तो आपको ऐसे ऑनियन रखने हैं लंबे लंबे। ये मैंने 2 से 3 ऑनियन लिए है। थोड़ा सा ऑनियन को पकाएंगे ताकि थोड़ा सा वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। सिम पे पकाएंगे इसको, ज्यादा स्पीड नहीं रखेंगे वरना ऑनियंस ब्लैक हो जाएंगे, डार्क ब्राउन हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता तब तक हम इसको पकाएंगे ऑनियन को। सो अभी आप देख सकते हो कि ऑनियन थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो कि आप कितना सॉल्ट यूज करते हो उस हिसाब से। मैं यहाँ पे 1 स्पून सॉल्ट डाल दूंगी। फिर मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर 1 टेबल स्पून। फिर मैं डालूंगी हल्दी 1/2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसको 2 मिनट पकने देंगे। सो 2 मिनट हो चुके हैं, अब देख सकते हो। अब इसमें मैं ऐड करूंगी भिंडी जो मैंने एकदम अच्छे से चॉप कर ली है। आप देख सकते हो एकदम छोटे साइज में मैंने कट की है। अब ये भिंडी मैं पूरी ऐड कर दूंगी। ये 1/2 किलो भिंडी है, 3 ऑनियन यूज किए थे और 1/2 किलो भिंडी। इसमें हम लोग पानी नहीं ऐड करेंगे, इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको सिम में ही पकाएंगे। सो अब आप देख सकते हो कि ये भिंडी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसको अभी मैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक ढक के इसको हम लोग पकाएंगे और बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि वो नीचे लग नहीं जाए, मीन्स जले नहीं सब्जी। सो अभी हम लोग इसका ढक्कन थोड़ा 5 मिनट हो गया था, अभी सब्जी को मिक्स करेंगे। फिर से इसको ढक के रख देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी भिंडी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।